बजट के अंदर अपनी बढ़ोतरी की। चमन पैसेंजर ट्रेन 7 माह बाद चल रही है। ये 5 बोगियों पे मुश्तमिल ट्रेन है इकानमी क्लास की, क्वेटा टू चमन एंड बैग, और ये तकरीबन 7 महीने के बाद ये ट्रेन दोबारा बहाल की जा रही है। आप दुआ करें कि अब इस दफ़ा कामयाब हो। जी, मिनिस्ट्री से हम रबते में हैं, हेडक्वार्टर ऑफिस के साथ भी, इंशाल्लाह बुरान एक्सप्रेस के लिए भी जल्दी खुशखबरी सुनेंगे। लेकिन अभी ये दुआ करें कि कोरोना जो है ना, कोरोना दोबारा ज़ोर ना पकड़े। अगर ऐसी बात ना हो तो इंशाल्लाह बुरान एक्सप्रेस भी यहाँ से चलेगी। नहीं, इस वक्त तो नहीं, लेकिन ये कोशिश ज़रूर होंगी कि कोरोना के SOPs के तहत ही हो। आज तो जल्दबाजी में हम इफ्तिताह कर रहे हैं, आज हमने SOPs का उतना इंतज़ाम नहीं किया जितना होना चाहिए। अलबत्त सफाई वगैरह का पूरा पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है। जो डिस्टेंसिंग का वो है, आज हमने डिस्टेंसिंग का इतना वो नहीं रखा, हमने बोला कि आज इफ्तिताह हो जाए तो अगर ज़रूरत पड़ी तो डिस्टेंसिंग ज़रूर करवाएंगे, SOPs के तहत ही फिर चलाएंगे। फिलहाल तो कोरोना कंट्रोल में है, इंशाल्लाह ऐसा कोई ज़्यादा मसला नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, बुलान एक्सप्रेस के लिए हमारी कोशिशें हैं और सिबी खोज सेक्शन पे भी हमारी हम ट्रेन चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अरसा दराज से बंद है, काफ़ी साल हो गए। उसके लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं, 90% से ज़्यादा काम उस पर हो चुका है, सिर्फ सिक्योरिटी पैकेट्स का मामला रह रहा है। वो बन जाए तो इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा और 31 दिसंबर तक कोशिश कर रहे हैं कि सिविल वर्क कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का मसला है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो जाएं तो इंशाल्लाह अगले साल में इंशाल्लाह वो सेक्शन भी खुल जाएगा और बलूचिस्तान के आवाम को ये खुशखबरी भी मिलेगी, उनका उनके सब्ज़ियाँ उनके फ्रूट वो उस सेक्शन से जो एक मुनाफा बख्श सेक्शन है सिबी खोज सेक्शन, उस पर इंशाल्लाह ट्रेन रवा दवा होंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। चमन पैसेंजर ट्रेन 7 माह बाद चल रही है।